चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनावों का ऐलान कर दिया है। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुल सीटें 114 हैं, लेकिन चुनाव 90 पर क्यों हो रहा है? 4 मिनट में जानिए चुनाव का सब कुछ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। चुनाव आयोग ने 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर राज्य में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ ही जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल भी गर्माने लगा है। ये चुनाव वहाँ पर 3 चरणों में होंगे। चुनाव 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होंगे, यानी कि वोटिंग केवल 14 दिनों में ही हो जाएगी। हालांकि परिसीमन में राज्य में जितनी सीटें निर्धारित की गई हैं उतने पर चुनाव नहीं होंगे, और इसकी वजह क्या है ये हम आपको इस वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में कुल 114 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन राज्य में विधानसभा सीटों के डिलिमिटेशन के बाद चुनाव केवल 90 सीटों पर ही होंगे। क्यों ऐसा होगा, इसकी क्या वजह है, ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 24 सीटें POK यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तनों के कारण इनमें से केवल 90 सीटों के लिए चुनाव होना तय हुआ है। ये सबसे बड़ी वजह है। साल 2019 में जब जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के जरिए जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो राज्य में चुनावी सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए परिसीमन प्रक्रिया शुरू की गई। मार्च 2020 में एक परिसीमन आयोग की स्थापना की गई। इसकी अंतिम रिपोर्ट मई 2022 में जारी की गई। इस रिपोर्ट ने विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी, जिसमें 6 सीटें जम्मू और 1 कश्मीर में शामिल की गई। 24 सीटें POK में, 114 सीटों में 24 सीटें पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के क्षेत्रों के लिए आरक्षित की गई हैं, जिसका अर्थ ये है कि उन पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। इसलिए चुनाव के लिए उपलब्ध सीटों की प्रभावी संख्या 90 है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि जम्मू संभाग में 43 और कश्मीर संभाग में 47 सीटें होंगी और कुल मिलाकर 90 सीटों पर चुनाव होंगे। राज्य का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद यहां पर पहली बार विधानसभा चुनाव होने भी जा रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि कब हुए राज्यसभा में पिछली बार के विधानसभा चुनाव। आपको बता दें कि राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव नवम्बर दिसंबर 2014 में हुए थे, यानी कि 10 साल पहले। चुनाव के बाद जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने राज्य सरकार बनाई, यानी कि BJP और PDP ने मिलकर सरकार बनाई, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का 7 जनवरी 2016 को निधन हो गया। फिर राज्यपाल शासन कम समय के लिए लगा, फिर महबूबा मुफ्ती ने वहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली और वो वहाँ की मुख्यमंत्री बनी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि किस तरह से पिछली राज्य सरकार ने काम किया। जून 2018 में BJP ने PDP के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हो गया। नवंबर 2018 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा भंग कर दी और 20 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगा दिया गया। अब POK में क्या स्थिति रहती है, वहाँ पर चुनाव होंगे या नहीं होंगे, कौन सी स्थिति वहाँ पर बनती है, ये भी आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। POK में क्या स्थिति रहती है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि POK के तौर पर भारत में जाना जाता है, तो पाकिस्तान में इसे आज़ाद जम्मू और कश्मीर AJK के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर चुनाव अनाउंसमेंट स्थानीय शासन के लिए होते हैं। POK में पाकिस्तान करवाता है चुनाव। ऐसा क्यों, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले इस इलाके में पाकिस्तान जो स्थानीय प्रशासन के लिए AJK विधानसभा के चुनाव यहां पर करवाता है उसमें 53 सदस्य हैं। इनमें 45 सामान्य सीटें शामिल हैं जिन पर सीधे चुनाव लड़ा जा सकता है। 8 आरक्षित सीटें 5 महिलाओं के लिए और 3 टेक्नोक्रेट और विदेशी कश्मीरियों के लिए यहाँ पर फिक्स रहती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर चुनाव में भाग लेने के लिए लगभग 3.2 मिलियन मतदाता पंजीकृत हैं। 700 से ज़्यादा लोग चुनाव लड़ते हैं, इसमें पाकिस्तान के मुख्य दल भी चुनाव लड़ते हैं। आमतौर पर अगर जम्मू कश्मीर के चुनावों की बात करें तो यहाँ पर वो पार्टी जीतती है जो राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में होती है, लेकिन ये चुनाव इस बार जो है दिखावा ज़्यादा क्यों लग रहे हैं। हालांकि यहाँ के चुनावों को भी कम चुनावी पारदर्शिता के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है।
इस विधानसभा के पास सीमित शक्तियां हैं। इनके महत्वपूर्ण अधिकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और कश्मीर परिषद के पास हैं। पिछले कुछ वक्त में इस इलाके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन भी होते नजर आए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके का क्षेत्रफल लगभग 13,297 वर्ग मील यानी कि 34,639 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। ये प्रशासनिक रूप से 10 जिलों में विभाजित है। इसमें मुजफ्फराबाद, नीलम, झेलम घाटी, हवेली, बाग, रावलकोट, पुंछ, कोटली, मीरपुर और भूमर ज़िले आते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र का अपना प्रशासनिक ढांचा होता है। जम्मू कश्मीर कुल पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो 114 सीटें हैं, हमने आपको समझाने की कोशिश की कि इस बार चुनाव जो है 90 सीटों पर क्यों हो रहे हैं। डीलिमिटेशंस के बाद अब जो है 43 सीटें यानी कि जम्मू संभाग में हैं और 47 सीटें कश्मीर संभाग में है। और आपको ये भी बता दें कि 3 चरणों में चुनाव होने हैं और ऐसे में अब जम्मू कश्मीर में राजनीतिक माहौल दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।